हेलो दोस्तों, येलो फूड कॉर्नर में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लौकी के पराठे। जी हाँ, और ये बनेंगे आलू भुजिया के साथ। दोस्तों ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें आपको लौकी का जूस अलग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। साथ में बिगनर्स के लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे कि भरवा पराठा बनाने में उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही शानदार ट्रिक है। इन पराठों के साथ बनाऊंगी लिंगुड़े का रायता। जी हाँ, ये है पहाड़ी क्षेत्र की बहुत ही फेमस सब्जी जो कि हम उत्तराखंडियों को और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए बनाते हैं लौकी के पराठे और लिंगुड़े का रायता। तो यहाँ पर मैंने आधी लौकी ले ली है, दो जनों के लिए यहाँ पर लगभग 250 ग्राम लौकी काफ़ी है। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट से साफ करके कद्दूकस कर लेते हैं। दोस्तों लौकी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है इसलिए उसको बहुत ज़्यादा बारीक कद्दूकस हमें नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा मोटा वाला साइज़ का जो कद्दूकस होता है उससे हमें इसे कद्दूकस करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लौकी कस ली है। अब इसमें मैं 1/4 चम्मच नमक मिलाऊंगी और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूंगी ताकि जो इसका सारा जूस है वो निकल कर बाहर आ जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमें इस लौकी को ना निचोड़ लेना है। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने तो कहा था इसका जूस नहीं हटाएंगे। हाँ दोस्तों, इसका जूस हम निकाल लेंगे लेकिन उसका यूज हम करेंगे आटा मलने के लिए। खूब टाइट हाथों से हम इस जूस को निचोड़ लेंगे और अपने लौकी को अलग कर लेंगे। दोस्तों अब इन पराठों के लिए आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो लोगों के लिए 1 कप आटा यूज करा है और इसमें 1/2 चम्मच देसी घी का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी के मोयन को हम अच्छे से आटे में पहले मिक्स कर लेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम आटे में मोयन लगाएं ना तो उसको खूब अच्छे से मसल मसल के आटे में मिक्स कर लें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और जाड़ों के दिनों में तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो ये रहा वो जूस जो हमने लौकी में से निकाला था। दोस्तों जूस की मात्रा बहुत कम है इसलिए पहले मैंने इसमें जूस ऐड किया है, उसके बाद अगर मुझे इसमें आवश्यकता लगेगी तो मैं पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि मैंने आटे में नमक ऐड नहीं करा क्योंकि लौकी के इस जूस में थोड़ी मात्रा में नमक ऐड है क्योंकि हमने लौकी में नमक लगाया था। तो चलिए दोस्तों इस आटे को लगा लेते हैं। बिगनर्स को मैं कहना चाहती हूँ कि जो भरवा पराठा होता है ना उसे बनाने के लिए थोड़ा सा गीला आटा लगाया जाता है ताकि पराठा बनाने में थोड़ी आसानी हो। यहाँ पर हमारा आटा बनके हो गया है तैयार। इसको मैं इस बाउल में रख के कवर कर देती हूँ ताकि ये सूखे ना। अब इन पराठों के लिए मैं तैयार कर लेती हूँ लिंगुड़े का रायता। जो लोग उत्तराखंड से या पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं वो लिंगुड़ या लिंगुड़े को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। ये बहुत ही पौष्टिक सब्जी होती है। इसको साफ़ करना थोड़ा सा टिपिकल होता है तो मैंने इसे साफ करके बारीक कट कर लिया है और अब मैं इसे करूँगी बॉयल। दोस्तों इसे ना कम से कम 10 मिनट बॉईल करना है और उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो के ठंडा कर लीजिए या फिर इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। इस रायते को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ना 2 बाउल दही ले लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी मसाले। तो यहाँ पर 1/4 काला नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यहाँ ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद ना इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बॉईल करा हुआ लिंगुड़ा। इसके बाद ना दोस्तों इसमें लगेगा तड़का और तड़का लगेगा उत्तराखंड का फेमस जखिए का। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के लोगों को जखिया बहुत पसंद होता है। अपनी हर प्रकार की दाल, सब्जी, आलू के गुटके, रायता, सब्जियों में वो जखिए के तड़के का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जखिया और लाल सूखी मिर्च का मैं यूज कर रही हूँ और इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो इस रायते में 4 चांद लगा देता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है ना तो आप साबुत जीरे का तड़का भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इन दोनों का तड़का जैसे ही रायते में गया ना पूरा घर खुशबू से भर गया है। इसे कर रही हूँ फ्रिज में स्टोर और चलते हैं इस रेसिपी की नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि लौकी के पराठों की तरफ। अब दोस्तों कद्दूकस करी हुई लौकी में मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/4 अजवाइन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे। साथ में 2 हरी मिर्च मैंने काट के इसमें ऐड कर दिए। थोड़ी मोटी काटी है ताकि बच्चे अगर खाएं तो उनके मुंह में ना आए।
और ये रहा वो मैजिक इंग्रेडिएंट यानी कि आलू भुजिया। जी हाँ दोस्तों, आलू भुजिया वैसे ही इतनी टेस्टी होती है और जब ये लौकी के साथ मिक्स होगी और इसके पराठे बनेंगे तो जरा सोचिए कितना टेस्टी होंगे। और ये आलू भुजिया एक और मैजिक करेगा, ये लौकी के एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे क्या होगा कि हम इजीली इन पराठों को बना पाएंगे और बिगनर्स को इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर मेरे पास थी मोटी वाली भुजिया तो मैंने इसको मिक्सी में एक चक्कर चला के दरदरा पीस लिया है। अगर आपके पास बारीक वाली भुजिया है ना तो आप उसे केवल हथेली में मसल कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं और वीडियो में देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और कोई भी इसके पराठे ना आराम से बना लेगा, चाहे वो पहली बार ही क्यों ना बना रहा हो। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं बिगनर्स के लिए एक ऐसी ट्रिक लाई हूँ जिससे कि वो इजीली पराठे बना लेंगे, तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो ट्रिक हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आटे का गोला। तो यहाँ पे ना पहली वाली जो ट्रिक है इसमें हमें थोड़ा सा बड़े साइज का गोला लेना है क्योंकि हम यहाँ पर ट्रायंगल वाला पराठा बना रहे हैं। यहाँ पे ना दोस्तों हमें थोड़ा बड़े साइज की रोटी बेल लेनी है यानी कि लगभग इस पूरे चकले के बराबर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बेलना शुरू कर दिया है और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बन गई है पूरी चकले के बराबर रोटी। इसमें थोड़ा आप चाहें तो घी यूज कर सकते हैं लेकिन ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। और अब मैं लूँगी 2 चम्मच के लगभग स्टफिंग। तो इसको हमने ना बिल्कुल ट्राइंगल शेप में पूरी रोटी में फैला लेना है। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा और उसी तरीके से आपको भी करना है। इसे ट्रायंगल शेप देने के बाद हमें ना इसके तीनों किनारों को फोल्ड करना है, बिल्कुल हम जैसे ट्रायंगल पराठा बनाते हैं ना सेम वैसे ही। इससे आपका जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और आपका जो भरवा पराठा है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखिए कितना ईजी है ये ट्रायंगल वाला भरवा पराठा बनाना, है ना। अब आप चाहें तो ना इसके तीनों किनारों को थोड़ा थोड़ा बेल सकते हैं, तो इस तरीके से आटा फैलाना है, नहीं तो वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, अब इसे डायरेक्ट तवे में डाल सकते हैं। लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा रही हूँ तो इस तरीके से मैं इसको हल्का हल्का सा बेलूँगी। बहुत ज़्यादा ज़ोर मत लगाइएगा नहीं तो जो आपकी स्टफिंग है वो किनारे से निकल जाएगी। तो ये देखिए इसका साइज़ थोड़ा मैंने और बड़ा बना लिया है, लेकिन बिगनर्स चाहे तो ये रिस्क ना भी लें चलेगा। पराठे का साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है और ये जाएगा सीधे तवे में। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना परफेक्ट बना है। दोस्तों मेरी ये वीडियो ना उन छोटी बहनों को बहुत काम आने वाली है जिनकी कुछ महीनों बाद शादी है। देखो नॉर्मली तो पराठे बनाना सभी जानते हैं, लेकिन वही नॉर्मल से लौकी के पराठे में अगर आप नए टेस्ट का ट्विस्ट मिला देंगे और अपने ससुराल में सबको ये पराठे टेस्ट कराएंगे ना, तो बस सब आपके मुदीर हो जाएंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे और आपकी ढेर सारी तारीफें करेंगे। दोस्तों बातों बातों में तो ये पराठा बनके हो गया है तैयार। चलिए बनाते हैं दूसरे तरीके से, ये भी बहुत सरल है। इसमें आपको आटे की 2 गोलियां लेनी है, दोनों के बीच में ढेर सारा आटा लगाना है और इन दोनों को एक साथ बेल लेना है। जी हाँ दोस्तों, ढेर सारा आटा लगा रहेगा ना बीच में तो ये चिपकेंगे बिल्कुल नहीं। इस तरीके से आपकी 2 रोटियां एक साथ बनके हो जाएंगी तैयार। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनको थोड़ा पतला ही बनाना है आपने तो, और इस तरीके से इनको अलग कर लेना है और इसके पहले वाले पार्ट में आपको अपनी स्टफिंग भरनी है और सेकंड वाले पार्ट से इसको कवर कर लेना है और किनारे से अच्छे से दबा लेना है। आप चाहें तो दोस्तों इसको बड़े जो पूरा साइज होता है पराठे का उस साइज का बना के भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा छोटा छोड़ा है ताकि मैं इसको जब बेलूँ तो ये बिल्कुल सही आकार में आ जाए और किनारे से इसमें स्टफिंग निकले बिना। तो इस तरीके से आपको दबा लेना है और इसको बस हल्के हाथों से थोड़ा सा बेल लेना है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेना है और बस उसके बाद फटाफट से इसको सेक लेना है। बाकी की प्रोसेस वही रहेगी, दोनों तरफ से आप इसमें घी लगाइएगा और बस इसे दबा दबा के सेक लीजिएगा और ये दूसरी तरीके से भी आपका पराठा बनके हो जाएगा बिल्कुल तैयार। दोस्तों इस रेसिपी को मैंने जिस खास तरीके से बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी वायरल ज़रूर होगी क्योंकि आजकल जो लौकी है वो सभी लोग खाना चाहते हैं, लेकिन उसको पराठे के रूप में बनाना और वो भी जूस के साथ बनाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैंने उस काम को ना थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की है। मेरी इस कोशिश को आप अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। तो प्लीज़
इस वीडियो को जो भी देख रहा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन पराठों के साथ मैंने लिंगूड़े का रायता और आम का अचार सर्व किया है। इस आम के अचार की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक अचार है, इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और बाय बाय।